हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 फीट बाई 30 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा रोड रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री है, और ये जो एंट्री है हमारी, ये स्टेयरकेस के नीचे से होती है। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ हमारा स्टेयरकेस ब्लॉक रहेगा, और ये हमारा स्टेयरकेस 3.5 फीट चौड़ा रहेगा, और यहाँ इसके नीचे 7 फीट चौड़ी एंट्री रहेगी। तो ये स्टेयरकेस ऐसे जाएगा और ऐसे वापस घूम जाएगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे घर के अंदर, तो एंट्री करते ही ये हमारा बड़ा सा लिविंग हॉल रहेगा, लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में इस साइड हमारा किचन रहेगा, 4 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 9 इंच का, जिसमें ये हमारा एल से प्लेटफॉर्म रहेगा। इस तरफ ये हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा बेडरूम रहेगा, 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का। बेडरूम में ये बेड रहेगा, इस तरफ ये हमारा विंडो रहेगा रोड की तरफ, और सामने वाली वॉल पर हमने टीवी यूनिट का डिजाइन दिया हुआ है। इस तरफ देखेंगे, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा, जिसका साइज 11 फीट बाई 10 फीट है, जिसमें बेड और ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। यहाँ हमने विंडो दिया हुआ है। और यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा ओटीएस एरिया रहेगा, 7 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 7 इंच का। इस ओटीएस एरिया का यूज आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए कर सकते हैं, और इस ओटीएस से ही इसमें हमारे बेडरूम में वेंटिलेशन रहेगा, और इसके जस्ट पीछे ये हमारा टॉयलेट रहेगा, और इस टॉयलेट का वेंटिलेशन भी इस ओटीएस एरिया में रहेगा। 7 फीट 2 इंच वही 5 फीट का ये हमारा ओटीएस एरिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।